हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज समय को ना गवाते हुए मैं ये बता रही हूँ आपको कि आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है ना, जो हम लोग के घरों में दादी वादी के समय तक ये चीज़ें, दादी क्या मम्मी लोग भी बहुत समय तक बनाई होंगी, लेकिन शायद हम लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो आज की जो भागम भाग जिंदगी है, जो मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, उसको तो हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना जिससे हम लोग को हेल्थ पे थोड़ा बहुत, हम लोग को हेल्थ को बचाने का या फिर उसको स्वास्थ्य से रूप से अच्छा बनाने का कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आज एक दिन हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम करने की ज़रूरत ना हो, एकदम ट्रेडिशनल और सिंपल रेसिपी, और पुराने ज़माने याद आ जाएंगे, ये मैं पक्का गारंटी देती हूँ। तो बस समय को न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज बनेगी। तो बस शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं नेनुए की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीन, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, तीन नेनुआ मैं अच्छे से पानी से वॉश कर ली हूँ और उसको किनारों से जो उसका डंडी होता है ना उसको मैं काट के हटा ली हूँ। अब यहाँ पे गैस पे मैं नेनुआ को रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे नेनुआ में तेल लगा लीजिए, अदरवाइज आप सीधा इसको रोस्ट करने के लिए भी डाल सकते हैं। मैंने तेल वेल कुछ नहीं लगाया है, बस सीधा इसे रोस्ट करने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे आप गैस का जो आँच है उसे स्लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसे आराम से पकने दीजिए। इसे पकने में लगभग 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे। 7 से 8 मिनट तक आपको इसे पकानी है ताकि नेनुआ जो है अच्छे से पक जाए। अब इसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चिमटे के मदद से ही पकाइएगा, नहीं तो होता क्या है ना कि इसके जो गैस निकलते हैं ना तो हाथ थोड़ा सा जलने का डर रहता है। तो ये देखिए लगभग पक गया है मेरा नेनुआ, लगभग क्या, अंदर से पूरी तरह पक गया है, लेकिन इसका जो स्किन है ना वो अभी भी हरा आपको दिख रहा होगा। तो उसके लिए मैं गैस को थोड़ा सा तेज़ कर दे रही हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि इसका स्किन जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए और बाद में ये उतरने, जब मैं इसे छीलूँगी ना तो उतारते समय मुझे दिक्कत ना हो। तो ये देखिए बस 1 मिनट मैं गैस को तेज़ की और बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और जब 10 मिनट बाद ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके छिलके को उतारूंगी। ये देखिए 10 मिनट बाद लगभग ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसे मैं छील ले रही हूँ और ये इजीली छिल जा रहा है। कितने लोग इसे पानी में डाल करके और इसके छिलके को उतारते हैं, लेकिन पानी में मत डालिएगा, फिर वो टेस्ट नहीं बहुत अच्छी वाली आती है, क्योंकि इसमें पानी पानी वाला एक स्वाद आ जाता है। आप इसे छीलिएगा धीरे धीरे, ये आराम से छिल जाता है, इस छिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए मेरे इन तीनों नेनुए जो हैं छिल करके तैयार हो गए हैं, और थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये नुकसान ऐसा करता नहीं है कि अगर थोड़ा रह गया तो कोई परेशान ज़्यादा होने वाली चीज़ है। ये देखिए मैंने अब यहाँ पे नेनुआ में कट करके बीज से, और ये मैं देख ले रही हूँ कि कहीं ये सड़ा हुआ तो नहीं है। इसे आप शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब नेनुआ को कट करके पकाइए ना तो उससे पानी निकलता है और वो आपके गैस को कहीं ना कहीं बर्नर को ख़राब करेगा। तो बाद में मैं इसमें कट करके चीरा लगा के देख ली तीनों को, तो ऐसा मेरा नहीं था, नेनुआ सड़ा उड़ा हुआ, तीनों ठीक था। यहीं पे मैं 4-5 लहसुन और 2 हरी मिर्च ली हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं। तो एक जार में मैं इन सभी चीज़ों को डाल दे रही हूँ, और यहीं पर मैं थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर छोटी वाली चम्मच से 1 छोटी चम्मच डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और ये ध्यान रखिएगा कि नेनुआ में एक मिठास होता है तो नमक ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वो टेस्ट अच्छा वाला नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये देखिए मेरी चटनी पिस करके तैयार है, बट इसमें एक बहुत अच्छी सी ना अभी तड़का लगने वाली है। तड़का ऐसा नहीं है कि गैस पर पका के मैं लगाऊंगी, इसमें जो तड़का लगेगी वो बस सरसों तेल की लगेगी, और वो भी कच्चे वाली सरसों तेल की। तो इसमें 1/2 चम्मच सरसों तेल डाल दीजिए और इस तरह से इसे मिला लीजिए। पहले के लोग सरसों का तेल चटनी वगैरह में और भरता में कच्चा ही डालते थे, बहुत अच्छा टेस्ट निकल करके आता है। तो इस तरह से सरसों तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए और इसे गर्म दाल चावल के साथ या पूड़ी के साथ, पराठे के साथ आराम से इंजॉय कीजिए। ये मैं जा रही हूँ आलू का भरता बनाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे भरता तो हम लोग सभी लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूँ, अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू को लिया है, ये बॉयल आलू हैं, और इसे मैंने छील लिया और छील करके मैं इसे गैस पर अब रोस्ट करने के लिए रख दी हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर आलू जो है वो गर्म आलू मत लीजिएगा, जब ये ठंडा बॉयल आलू ठंडा हो जाए तब छील करके और इसे रोस्ट करने के लिए रखिएगा। तो ये देखिए मैं गैस का फ्लेम एकदम हाई पर रखी हूँ और इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूँ। इसलिए हाई फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि
आलू मुझे पकाने नहीं है, आलू मेरी ऑलरेडी पकी हुई है, लेकिन इसको बस ऊपर वाले परत को रोस्ट करना है ताकि एक सोंधापन वाला जो है ना वो इसमें टेस्ट आ जाए। पहले के लोग इसी तरह से आग में रोस्ट करके आलू को पका करके भरता बनाते थे। यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है ना, और इस तरह से रोस्ट करके जब आप बनाइएगा तो आपको वो पुरानी फ्लेवर याद आ जाएगी। तो ये चीज़ देखिए, जो नहीं खाए होंगे उन्हें याद नहीं आएगी, उन्हें बस टेस्ट का पता चलेगा कि पहले के लोग किस तरह से बनाया करते थे, और जो लोग खा चुके हैं पुरानी फ्लेवर को उसे बस मज़ा आएगा कि याद आ गया पुरानी फ्लेवर यही थी। तो और साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, जब मेरे आलू रोस्ट हो गए हैं उसके बाद मैं एक कलछी चढ़ाई हूँ, और कलछी में मैं यहाँ पे 4-5 लहसुन की कलियों को पका ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी पका सकते हैं लहसुन को, और जब तक लहसुन तेल में पक रही है तब तक मैं एक यहाँ पे बाउल ली हूँ और उसमें मैं आलू को थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ये देखिए इधर ये लहसुन जो है पक गई है मेरी, तो अभी थोड़ा सा तेल गर्म ही है उसमें उसे पकने देती हूँ मैं। तब तक थोड़ा सा अभी गर्म है आलू, तो इसे मैं मैश कर ले रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो इस तरह से चम्मच से पहले मैश कर लीजिए ताकि ये तोड़ देने के बाद जल्दी ठंडा होता है, अदरवाइज़ ये जब नहीं तोड़िएगा तो टाइम लेगा ठंडा होने में। तो ये देखिए यहीं पे मैं लहसुन भी मेरी अच्छे से पक गई है और रोस्ट भी हो गई है, तो उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट में छोड़ दी, तेल गर्म थी इसलिए और आलू भी गर्म था, तो अब दोनों चीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है। तो ये देखिए लहसुन मेरी कितने अच्छे से पक गई है, इसे इस तरह से दबाइएगा ना और मैश कीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगी। तो आप पहले लहसुन को धीरे धीरे मैश कर लीजिए आराम से। तो ये देखिए मेरी लहसुन जो है कितने अच्छे से मैश हो गई है। तो और मैश करने के बाद इसे आलू में अच्छे से मिला दीजिए और आलू को भी अच्छे से मैश कर दीजिए। तो ये दोनों जो है ना बहुत अच्छे से पहले मिल जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें बताती हूँ कि और क्या डालना है। यहाँ पे मैं एक प्याज जो छील करके बारीक काट ली थी उसे मैं डाल दे रही हूँ। 2 हरी मिर्च मैं ली हूँ, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ लोग इसमें अचार के मसाले जो होते हैं ना, जो तेल होते हैं उसके, वो डालते हैं, लेकिन या तो सरसों तेल भी सिर्फ डालते हैं कच्चा, लेकिन मैं इतना ही डाली हूँ। आप इस तरह से भी इसे पकाइए और इन्जॉय कीजिए। तो देखा ना कितना टेस्टी और कितना अच्छा ये लग रहा है ना। तो बस मैं तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि गर्म गर्म दाल और चावल उसके साथ ये अगर मिल जाए ना चटनी और भरता तो सचमुच में मज़ा आ जाती है। और उस दाल चावल में थोड़ा सा घर का घी डाल लीजिए और उसके बाद ये भरता और ये चटनी, सच बता रही हूँ सारी जो अच्छे अच्छे चीज़ों की कहते हैं ना डिलीशियस शाही चीज़ें, वो भी इसके आगे फेल लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोग एक बार बनाइए और खाइए और फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और बस वीडियो को आज यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।